स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले चिट्ठी भेजने के लिए कबूतर का उपयोग होता था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। वैसे तो कबूतर प्राचीन समय से ही इंसानों के साथ रहा है और इतिहास में इसका उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। यह एक उत्कृष्ट पक्षी है जो अपने वफादारी, सच्चाई और संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। कई धर्म और संस्कृतियों में कबूतर को शुभ और शांति का प्रतीक माना जाता है, पर इसकी सबसे अनोखी विशेषता रास्ता खोजने की अद्भुत क्षमता है। 1350 ईसा पूर्व तक प्राचीन मिस्र में घरेलू कबूतरों का इस्तेमाल संभावित रूप से कबूतर पोस्ट के लिए किया जाता था। इसके लिए मुख्य रूप से होमिंग पिजन का उपयोग किया जाता था, जिसे मैसेंजर पिजन भी कहते थे, क्योंकि ये कबूतर की प्रजाति रास्ता ढूंढने में सबसे माहिर थे। कबूतर के द्वारा संदेश भेजने से संदेश बिना किसी को पता लगे सही जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता था, वो भी बिना किसी खर्च के। इन्हें पकड़ के लाया जाता था और जब कोई गुप्त संदेश भेजना होता था तो कबूतर के पैर पर चिट्ठी लिख के उसे आजाद कर दिया जाता था और वह कबूतर अपने मालिक तक पहुंच जाता था। कबूतर की इस खूबी का जिक्र 2000 साल पहले भी किया गया था। बताया जाता है कि जूलियस सीजर ने गॉल की अपनी विजय की खबर कबूतरों के जरिए रोम भेजी थी और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में इंग्लैंड से अपनी हार के बाद भी ऐसा ही किया था। कबूतर में क्या है खास? IOC के रिसर्च के अनुसार कबूतर की कुल लगभग 352 प्रजातियां हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार कई रिसर्चर्स ने कबूतर के दिमाग में पाए जाने वाली 53 कोशिकाओं के एक समूह की पहचान की है, जिनकी मदद से वे दिशा की पहचान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। साथ ही ये सामने आया है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के मामले में हर तंत्रिका की अपनी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन हर कोशिका उत्तर दक्षिण दिशा और ऊपर नीचे की पहचान कर सकती है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कबूतर की ये कोशिकाएं ठीक वैसे ही काम करती हैं जैसे कोई दिशा सूचक दिशाओं की जानकारी देता है। इसके अलावा रास्ते में आने वाली चीजों की दूरी जानने में भी इससे मदद मिलती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल घोसला लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।